अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिलीशियस किचन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे सारे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम डो बनाते हैं, और डो बनाने के लिए मैंने 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया है। उसके बाद हम वार्म वाटर लेंगे, 2 टेबलस्पून वार्म वाटर। उसके बाद हम उसमें ईस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और ईस्ट 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से मिक्स करके अब आपने इसको डो में ऐड कर देना। चलें जी, अब मैं इसे डो में ऐड करने लगी हूँ। अब 1 टीस्पून आपने सॉल्ट लेना है, और 1 आपने एग ले लेने हैं, ठीक है जी। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ऑयल हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब इसे गूंदने के लिए मैं थोड़ा सा वार्म मिल्क लूंगी, ठीक है। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना मिल्क यूज़ करें इसमें। जिस तरह नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंदना है, बस आपने इसको दूध से गूंदना है। तो इस तरह ये डो बहुत सॉफ्ट सी और बहुत ही मज़ेदार सी डो बनेगी। चलें जी, हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे, जब तक कि ये डबल हो जाएगा अपनी साइज में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ओवन को प्री हीट कर दिया था 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको ऑफ कर दिया ओवन को। तो वहाँ पर एक गर्म सा इन्वायरमेंट हो गया है, तो अब मैं इसे वहाँ रखूँगी, ये जल्दी राइज हो जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप्स है, आप लोग भी इस तरह से करें तो जल्दी से आपकी डो राइज हो जाएगी। चलें जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम फिलिंग रेडी करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून बटर ले लिया है, 1 क्यूब आपने बटर का ले लिया, आप देख सकते हैं मैंने कितना लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पज़ फ्लोर ऐड कर दूंगी, और इसको बस आपने एक अच्छा सा सौते करना है कि एक स्मेल जो कच्चेपन की होती है वो चले जाए। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ये ब्राउन नहीं होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको जो है हल्का सा सौते करेंगे, जस्ट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट के लिए, ठीक है। बस एक अच्छा सा ये मिक्स हो जाए, और जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो चली जाए, और आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, उससे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद हम अब चॉप अनियन इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने चॉप अनियन इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से बारीक चॉप करके आपने इसको ऐड करना है, और इसी में मिक्स कर देना है। अब इसमें मैं 3 से 4 कप हमें मिल्क ऐड करना है, लेकिन एक साथ मिल्क ऐड नहीं करना, आपको थोड़ी थोड़ी करके मिल्क ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी थोड़े से मिल्क ऐड किया है, और अभी ये थोड़ी देर बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। उसके बाद हमें अगेन मिल्क ऐड करना है इसमें, तो आपने 3 से 4 कप मिल्क रखना है, जो आपने थोड़े थोड़े करके ऐड करना है, ठीक है। ये देखें, ये अब थिक सा हो गया ये मिक्सचर। अब मैं इसमें दोबारा से थोड़े से मिल्क ऐड करूँगी, ये एक अच्छा सा मिक्सचर बन गया। तो अब मैं इसमें जो भी मसाले ऐड करने हैं, मैं वो सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून वाइट पेपर लिया है, उसके बाद 1 टेबलस्पून मैं ब्लैक पेपर लूंगी, और 1/2 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया, ठीक है। और सॉल्ट लिया है आपने 1 टेबलस्पून,
और 1 tablespoon मैंने इसमें चिली, ग्रीन चिलीज ली। अच्छा, सॉल्ट जो है 1 teaspoon है, सॉरी। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है अच्छे से। ये देखें ये कितना अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। चलिए जी, अब मैं इसमें 2 cup बॉइल्ड चिकन ऐड करूंगी। इसके रेशे अलग करके मैंने रख दिया था, ठीक है। अब इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये मिक्स हो चुकी है। अब इसमें ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो मैं इसमें थोड़े से और मिल्क ऐड करूँगी ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा इसका वो टेक्सचर आए और फिर हम इसको दम पे जब 5-10 मिनट के लिए रखेंगे तो ये अच्छा सा रेडी हो जाए, ठीक है जी। ये देखें कितनी अच्छी सी फीलिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इसको सिर्फ दम पर दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये देखें हमारी डो राइज हो चुकी है, ये अपनी साइज से डबल हो गई है। आपने भी इसी तरह से इसको इतना टाइम देना है कि इसका साइज डबल हो जाए, ठीक है। ऑयल ले लें आप, थोड़े से ऑयल लगा लें हाथों पे। उसके बाद आपने इसको दोबारा से गूंदना है थोड़ा सा। अब आपको जितने पीसेस बनाने हैं चिकन ब्रेड के, आप अपनी डो को डो बनाकर उसके लिए रख दें। अब हम चकोर शेप में इसको स्क्वायर शेप में रोटी बेलेंगे और थोड़ी सी आपको ख्याल रखना है कि थोड़ा सा ये मोटा रहे, ठीक है ना। जब आपने ये डो आपकी बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए, इस तरह से क्या होगा वो नीचे से फिर चिपकने लगेगी। आपको ये ख्याल रखना है कि आपने थोड़ी सी थिक सी डो बेलनी है, ठीक है जी, और स्क्वायर शेप में बेलनी है इसे। अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। अब आपने इसमें नाइफ की मदद से कट लगा देना है इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से कवर करेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा वाटर इसमें लगाया है, इस तरह ये स्टिक बहुत अच्छे से हो रही है। तो आप भी यूज कर सकते हैं, बस बहुत थोड़ा सा सिर्फ टैप करना है अपने फिंगर से। अब आपने इसको कवर कर देना है और जो नीचे में आपके डो बच रही है उसको आपने कट कर देना है, कट करके निकाल देना, ठीक है।
अब ये जो बाकी डो बची है मैं इसको कट करके निकाल दूंगी। इसको मैंने कट कट के हटा दिया, बाकी जो इसको नीचे से भी मैंने कवर कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब आपने इसको जिस भी ट्रे में आपने बेक करनी है आपने उस ट्रे में इसको रख देना है, और उसके बाद हम इसको टॉपिंग करेंगे, ठीक है जी। तो टॉपिंग के लिए मैंने अंडे की जर्दी ले ली है। इससे क्या होता है कलर बहुत अच्छा आता है जब ये बेक हो जाएगा ना, तो एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा येलो सा एक कलर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपने सिर्फ जर्दी के साथ आपने इसमें इसकी टॉपिंग करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने या तो वो ब्लैक वाले तिल आते हैं वो आपने ऐड कर देना है इसमें, या फिर आपने इसमें सीजन सीड ऐड कर देनी है, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सा इसका लुक आ जाता है। इसमें सीजन सीड ऐड कर दी है थोड़ी सी, और अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 25 मिनट्स। ये देखें जी हमारी चिकन ब्रेड बेक हो चुकी है, और कितना खूबसूरत और मजेदार सा इसका कलर आया है आप सब खुद ही देख सकते हैं। ये बहुत ही मजे की रेसिपी है, बहुत जबरदस्त है, आप लोगों ने इसको जरूर ट्राई करना है। अच्छा अब इसमें मैं थोड़े से बटर ऐड करूंगी। बटर लगाने से ये होता है कि आपका जो ये ब्रेड है ये बहुत शाइनी सा और बहुत सॉफ्ट सा हो जाएगा, ठीक है। तो बटर आपने जरूर से लगाना है इसमें। ये देखिए कितनी मजेदार सी खूबसूरत सी चिकन ब्रेड हमारी तैयार हुई है। तो आप भी इसे ट्राई करें अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब हम इसको कटिंग करते हैं, चले मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये देखें मज़ेदार, बट ये बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि मैंने इसे अभी अभी ओवन में से निकाला है और मैं वेट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं आपको भी कट करके इसको दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितना सॉफ्ट सा यमी सा मज़ेदार सी चिकन ब्रेड तैयार हुई है। तो आप भी इसे तैयार करें ज़रूर, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।